नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और आप देख रहे हैं बोल स्काई। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का खास महत्व माना गया है। साल 2019 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि 12 दिसंबर है। ये दिन चंद्र देव को समर्पित है। दरअसल इस दिन चंद्रमा अपनी मजबूत स्थिति में होगा। हिंदू पंचांग में पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। पूर्णिमा के दिन चांद अपनी पूर्णत्व स्थिति में होता है। किसी भी महीने की पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र पड़ता है उसी के आधार पर उस पूर्णिमा का नाम भी पड़ जाता है। इसी वजह से मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अलावा अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का माह माना गया है। इस महीने को लेकर उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं मार्गशीर्ष माह हूँ, और सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही साल का प्रारंभ बताया था। सनातन धर्म की माने तो इस माह से ही सतयुग काल का आरंभ हुआ था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के मौके पर चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह का सुख मिलता है और मानसिक शांति भी मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर सबसे ज्यादा होता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के मन का कारक चंद्रमा है। इस खास मौके पर लोगों को चंद्र ग्रह की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। पूजा का शुभ समय, आप 12 दिसंबर की रात 10:44 तक पूजा कर लें। इसके बाद पूर्णिमा का शुभ समय समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अशुभ चल रही है, तो आज चंद्रमा की पूजा अर्चना जरूर करें। आज दान दक्षिणा का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से 32 गुना फल मिलते हैं, और इसी वजह से मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 32वीं पूनम भी कहा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।